केपीके में इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अवाम का जम गफील सड़कों पर निकल आया है और इसकी मेन वजह यही बताई जा रही है कि अवाम अपने मैंडेट को चोरी होने की वजह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम का जम गफील सड़कों पर निकल आया और बस एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं, मुल्क एमरजेंसी की जानिब बढ़ रहा है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त कंटेनर की स्क्रीन के ऊपर आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं। केपी के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, अवाम घरों से निकल आई है। अवाम अभी कुछ देर में शेर अफजल मरवत भी इस एहतजाज में शिरकत करके इसकी लीडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त केपी के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। पार्टी रहनुमाओं का यहां आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अवाम इलेक्शन के अंदर धांधली के ऊपर सरापा एहतजाज है और उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त यहां की सूरत हाल बहुत कशीदा है, एमरजेंसी लगने की सूरत हाल बनती जा रही है। केपीके से आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, करंट एनएन आपको लाइव अपडेट कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सूबा के अंदर अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया है और अब यहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि केपीके के अंदर जो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, हमारे मैंडेट को हमें वापस किया जाए। केपीके के अंदर इस वक्त अवाम का जमे गफी करंट एन की स्क्रीन के ऊपर आपको लाइव मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त केपीके के अंदर सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है, अवाम सड़कों पर निकल आई है, बहुत कसीर तादाद में लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली नामंजूर है, जो हुकूमत बन रही है हमें नामंजूर है, हुकूमत पीटीआई की बननी चाहिए। पीटीआई के आजाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन जीत चुके हैं, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। इमरान खान सर इस वक्त जेल के अंदर है, डियाला जेल इस वक्त पीटीआई के बेशतर रहनुमा डियाला जेल के अंदर कैद है और पीटीआई की क्यादत इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो बैरिस्टर गोहर लीड कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत भी इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत अभी कुछ देर में इस एहतजाज में शिरकत करेंगे, मगर अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है और वो यही चाहती है कि फौरन हमारे तमाम असीरान को आजाद किया जाए, बानी पीटी इमरान खान को आजाद किया जाए और हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमें हुकूमत बनाने का हक दिया जाए। हम आपको ताजा तरीन अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर आप सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया और बहुत ही कशीदा सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि केपीके के अंदर अवाम सड़कों पर है। शेर अफजल मरवत भी कुछ देर में यहां एहतजाज की रहनुमाई करेंगे और हो सकता है यहां पर कोई खता भी करें और अभी हालात इमरजेंसी की जानिब बढ़े हैं। केपीके में इस वक्त आपको ताजा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अवाम का जमे गफील सड़कों पर निकल आया है और इसकी मेन वजह यही बताई जा रही है कि अवाम अपने मैंडेट को चोरी होने की वजह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम का जमे गफील सड़कों पर निकल आया और बस एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं, मुल्क एमरजेंसी की जानिब बढ़ रहा है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त कंटेनर की स्क्रीन के ऊपर आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं। केपी के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, अवाम घरों से निकल आई है। अवाम अभी कुछ देर में शेर अफजल मरवत भी इस एहतजाज में शिरकत करके इसकी लीडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त केपी के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, पार्टी रहनुमाओं का यहां आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अवाम इलेक्शन के अंदर धांधली के ऊपर सरापा एहतजाज है और उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त यहां की सूरत हाल बहुत कशीदा है, एमरजेंसी लगने की सूरत हाल बनती जा रही है। केपीके से आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, करंट एनएन आपको लाइव अपडेट कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सूबा के अंदर अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया है और अब यहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।